वीटो पावर जिसे कहते हैं। ये है आपका संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में वीटो पावर। सबसे पहले है आपका आत्यधिक वीटो पावर, दूसरा है निलंबनकारी वीटो पावर और तीसरा आपका वीटो पावर वीटो पावर। इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। पहला होता है अत्यंतिक वीटो पावर। इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपना निर्णय सुरक्षित कर रख लेता है जिससे वह विधेयक पारित नहीं हो पाता आपका राज्यसभा में और इसमें लोकसभा में दोनों में पारित हो गया। लेकिन अब वो तीसरी बार जाए किसके पास, राष्ट्रपति के पास, लेकिन राष्ट्रपति ने उसके ऊपर अपना कोई निर्णय नहीं दिया, वो अपने पास कर लिया। ठीक है, ये होता आपका अत्यंतिक वीटो पावर। नेक्स्ट आपका उदाहरण भी देख लेंगे इसका। पेप्सो यह है विनियोग विधेयक राजेंद्र प्रसाद के समय में आया था, तो ये जब मतलब दोनों में पास हो गया लेकिन इन्होंने अपने पास रख लिया, यानी कि पास नहीं हुआ। जब तक पास नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रपति इस पे अपने हाँ या ना नहीं दे देता। और ये आपका 1994 की बात है, 54 की बात है। संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन के बारे में बताइए संशोधन के बाद। फिर आपका सेकंड निलंबनकारी वीटो, ये कौन सा वीटो पावर होता है, राष्ट्रपति विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस कर देता है सिर्फ धन विधेयक पर छोड़कर। अगर विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए तो पारित करने की बाध्यता है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति विधेयक को पुनः विचार के लिए, यानी कि ये आपने जो आप पास कर दिया है ये कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा से कि आपने जो पास कर दिया है इसको दोबारा से एक बार फिर चेक करो, इसको वापस कर दो। लेकिन फिर दोबारा से अगर दोनों में पास होकर के आ जाता है तो राष्ट्रपति की बाध्यता है कि उनको ये पारित करना ही पड़ेगा। फिर आप उदाहरण भी देख लेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल के संबंध में था 2006 एबीजी अब्दुल कलाम साहब। फिर आते हैं आप पॉकेट वीटो पावर, या निश्चित काल के लिए बिल अपने पास रोक कर रख लेता है, ना ही तो उसमें स्वीकृति होती है और ना ही अस्वीकृति होती है। ठीक है, उदाहरण जैसे भारतीय डाक संशोधन विधेयक ज्ञानी जैल सिंह के समय में हुआ था 1986। ये ऐसा वीटो पावर है कि इस पे दोनों जगह से पास हो गया, जब राष्ट्रपति जी के पास आया तो ना तो इसके बाद हाँ करते हैं और ना ही ना करते हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है।